लर्न ऐसे इन 100 डेज। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो उसका क्या रोड मैप रहेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले डे वन को आपको क्या करना है, तो आपको सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उनके यह सारे के सारे थियरी और वो सब कंटेंट को आपको रिफर कर देना है। तो हो गया डे वन का। फिर डे टू से 10 डेज तक आपको क्या करना है, तो आपको स्टैक क्यू, एरे, स्टैक लिस्ट, लिंक लिस्ट और वो सब कुछ आपको कवर करना है, और उनमें आपको सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बेसिक ऑपरेशन वो सब कुछ, इंसर्शन डिलीशन वो सब कुछ आपको कंप्लीट करना है इन डे टू से लेकर डे 10 तक। फिर डे 11 से डे 25 तक आपको सिंपल से बेसिक से एल्गोरिदम कवर करने हैं, जैसे कि सॉर्टिंग के हो गए कुछ एल्गोरिदम, फिर सर्चिंग के कुछ एल्गोरिदम, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ एल्गोरिदम, और फिर प्राइम नंबर के, मिसेलेनियस, रिकर्सन, वो सारे के सारे आपको कवर करना है डे 11 से लेकर डे 25 तक। फिर डे 26 से डे 50 तक आपने यार सब कुछ बेसिक सा कवर कर लिया, सब कुछ आपने कवर कर लिया। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो आपने प्रैक्टिस तो की नहीं, तो आपको सारे ये जो कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ वेबसाइट है, जैसे कि हैकर रंग है, की फॉर किक्स है, तो उनमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, तो उन पर जाके आप प्रैक्टिस करना और आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड करना। तो अब डे 51 से लेकर डे 60 तक, तो आपने यार आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब नॉन लीनियर के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो लर्न कीजिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि ट्री, ग्राफ, हिस्ट्री और वो सब के बारे में, तो वो आपको इन टाइम पीरियड में कवर करना है। तो डे 61 से लेके 90 डेज तक, तो आपको क्या करना है, आपने ये सब कुछ अंडरस्टैंड और वो सब कर लिया, अब इनके बारे में भी आपको प्रैक्टिस तो करनी, तो फिर से आपको वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और आपकी यार प्रोग्रामिंग को बिल्डअप करना है, तो और भी आपने प्रीवियस जो सब कुछ किया था उसको भी रिवाइज करना है और अच्छी तरह से यार उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, तो ये आप करोगे इन टाइम गैप में। अब फाइनली डे 91 से 100 तक, तो इनमें भी आपको क्या करना है, आपको यार सब कुछ यार आपने तो प्रोग्रामिंग वो सब कर लिया, अब अच्छे से प्रोग्रामिंग जैसे कि NP कॉम्प्लेक्सिटी, स्नैक प्रॉब्लम, फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है, विंडो स्लाइडिंग प्रॉब्लम, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इन टाइम गैप में, और फिर आपका यार 100 डेज तक आपने अच्छी तरह से DSA सीख लिया, पर आपको अच्छी तरह से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर देना और आप अच्छी तरह से DSA सीख जाओगे। बस ये थी एडवाइस इस वीडियो के लिए, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए नीचे जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।